कोटद्वार के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर जिलाधिकारी पौड़ी, उपजिलाधिकारी कोटद्वार और अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूदी भूषण ने बैठक की। इस दौरान कोटद्वार की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं उनको मौके पर ले जाकर निरीक्षण किया और त्वरित निराकरण पर चर्चा की। निरीक्षण की शुरुआत जिलाधिकारी के साथ कवन आश्रम में हुई और इसे किस प्रकार जो है विकसित कर पहले प्रदेश पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जा सके, इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपना सुझाव दिया। कवन आश्रम के उद्धार से कोटद्वार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होगी, जिससे यहाँ पर्यटन में वृद्धि होगी। तत्पश्चात रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण कर GMBN गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इसे पुनः कैसे संचालित किया जा सके, इसके लिए अधिकारियों को योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में सिडकुल जाकर वहां की सड़कों आदि की जरूरतों पर बात की गई। पुल की स्थिति के संदर्भ में मालन नदी पुल और सुखरो नदी पुल का निरीक्षण किया। पौड़ी से राजवेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। कर्म आश्रम को, जो कि आप जानते हैं हिस्टोरिकल जगह है, किस तरह से हम उसको प्रदेश, देश और विश्व के पटल पर ला पाएं, किस तरह उसको विकसित कर पाएं, किस तरह से हम जो हमारी धरोहर है उसको पूरे भारतवर्ष में कैसे लोगों तक उसको पहुंचा पाएं, इस पर आज हम लोगों की बातचीत हुई है। आगे हम उसका कैसे प्रोजेक्ट बनाएं, किस तरह से उस पर हम काम करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने कर्ण आश्रम से शुरू किया, उसके बाद हम फिर अपने सिडकुल गए, वहाँ पे किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सड़कें ठीक होनी है।